पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश राजा ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की बहाली अभी असंभव है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए जल्दबाजी में भी नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान केवल देश के घरेलू क्रिकेट ढांचे पर केंद्रित है। इस 59 साल के पूर्व कप्तान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सोमवार को औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने माना कि पीसीबी का अध्यक्ष पद क्रिकेट की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले सभी पहलुओं पर गौर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला बहाल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर रमीज ने कहा, अभी ये असंभव है क्योंकि राजनीति से खेलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और अभी यथास्थिति है। हम इस मामले में जल्दबाजी में भी नहीं है क्योंकि हमें अपने घरेलू और स्थानीय क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना है। रमेश राजा से पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप में दुबई में 24 अक्टूबर को होने वाले मैच के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा, जब मैं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से मिला तो मैंने उनसे कहा कि इस बार समीकरण बदलने चाहिए और इस मैच के लिए टीम को 100% तैयार रहना चाहिए और इसमें उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। पीसीबी प्रमुख ने कहा कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय क्रिकेटर बेपरवाह क्रिकेट खेलें। उन्होंने कहा, हमें समस्याओं का सामना करने और मैच गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैंने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें टीम में अपने स्थान को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और निर्भीक होकर खेलना चाहिए। रमेश राजा ने कहा कि आने वाले समय में हम भारतीय बोर्ड यानी बीसीसीआई से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीरीज करवाई जाए, देश के जो भी हालात हों, लेकिन इसे खेल में शामिल नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज आने वाले समय में शुरू होगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरें पाने के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।